सो आज हम जिस इंडियन कंटेंट, जिस इंडियन फिल्म के बारे में, अपकमिंग फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, वही फिल्म 2023 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया था. आउट ऑफ वाओ, 10 फिल्म्स व्हिच वर स्क्रीन्ड इन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें से ये भी एक फिल्म था. सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट किल. ओके, दैट्स राइट. गाइस, और एक बहुत जाना पहचाना सा नाम है, बाय द वे, यहाँ पे इस फिल्म के जो लीड है उनका नाम है लक्ष्य. एंड देन वी हैव गॉट अ वेरी फेमस यू नो पर्सनैलिटी आउट हियर, राघव जुआल, एंड वी ऑल्सो नो हिम एज क्रॉकरोक्स. वो डांस इंडिया डांस इंडिया डांस डांस एंड सेंसेशन है. यू नो डांस प्लस, एंड ही इज अ ग्रेट ग्रेट डांसर एंड यस कोरियोग्राफर. सो वो भी इस फिल्म में है. आई गेस ही इज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल. यस, ऐसा लग तो तो रहा है. इसके बहुत बढ़िया व्यूज हुए हैं, और जो हमारे फेलो और यूट्यूबर्स हैं जो रिएक्शन देते हैं, उन लोगों ने भी आजकल रिएक्शन दे दिया है. आई एम श्योर वी आर वेरी लेट, यस, पर बट गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक एक्शन फ्लिक होने वाला है, क्योंकि हार्डकोर एक्शन सीक्वेंस बहुत ज्यादा राइट, है, मैंने सुना है. एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. हाँ, यस यस, ऑब्वियसली ये बड़े बड़े बिग लीग के लोगों के साथ ये लड़ सकता है. पर यहाँ पे और एक स्पेशल बात यह है गाइस कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, मैं कह सकता हूँ कि प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लायंस गेट है, हॉलीवुड की इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है. तो मुझे नो, लगता है आई कि बिलीव दैट इज इट इज टाइम के यू नो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अभी आना आना शुरू कर रहे हैं. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आना शुरू कर दिया है उन लोगों ने, दे हैव बीन ऑलरेडी हियर. लाइक चांदनी चौक टू चाइना से लेने की तब से लेके फॉक्स शुरुआत हुई स्टूडियोज है, फॉक्स स्टूडियोज है, मैनी उसके बाद फिर वार्नर ब्रदर्स भी आ गए हैं, और देन मोर मैनी मोर इसका ट्वेंटी ये भी हो सकता है कि सेंचुरी भी आ यूनिवर्स, सकती हाँ, है. 24th सेंचुरी आ सकता है, देन यूनिवर्सल स्टूडियोज, बहुत कुछ, बहुत बहुत माइनर कुछ भी हो मैक्स, सकता है. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस तो आएंगे ही. एंड पर इट्स अ वेरी बिग मार्केट विच इज स्टिल बीन अनटैप्ड बाय द हॉलीवुड यू नो बिगीज. जिस तरह सो से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और भी कई सारे अचीवमेंट्स हमें देखने देखने को मिलेंगे, को और मिलेंगे. बहुत बड़े बड़े कोलेबोरेशन होने को है. यस लेकिन गाइस, गाइस, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वी विल बी रिएक्टिंग ऑन दिस ऑफिशियल ट्रेलर. लेकिन इस ट्रेलर को देखने से पहले, या फिर इस रिएक्शन को देखने से पहले, यू नीड टू डू वन थिंग. लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारे चैनल से जितने भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रिएक्ट. Where is Raghav? Ah. No. क्या हो रहा है? हर्ष है. वो. बेचार. Oh shit. God. I don't know what's wrong there. Nice to see you. This is off the pipe to Latin or Salah. Tell you, looks like yeah, army. Wow. Loving this. That's Priyam. Too risky. गजब विस्फोटक तैयार है भाजी का. ओह गॉड, वाओ, ऐसे कौन मार गॉड, अब तक नहीं हुआ. राक्षस हो तुम, राक्षस. A terrific piece of editing and action. Yes. बहुत बढ़िया था. Yes. अगर कभी ऐसा होता कि जॉन विक को अगर ट्रेन टू बुसान में जाना होता, Yes. तो किल इज द एक्चुअल रिजल्ट.
यू नो आई रियली लाइक दिस ट्रेलर गाइस, मुझे काफी अच्छा लगा. एंड कुछ लोग ऐसे क्लेम्स करते हैं, कुछ ऐसे मेकर्स जो हार्डकोर एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, पर वैसा होता नहीं है. पर मुझे पूरी तरह से, मैंने जो भी देखा यहाँ पे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो है, और ये जो चीज है ना हार्डकोर एक्शन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें. व्हेन वी से हार्डकोर एक्शन, आजकल के वक्त में यू नीड रियलिस्टिक एक्शन. यस, आप डार्क नाइट देख चुके हो, आप बैटमैन देख चुके हो, आप बहुत मिशन इम्पॉसिबल देख चुके हो. नाउ यू डिमांड, यू एक्सपेक्ट रियलिस्टिक एक्शन एंड समथिंग रियलिस्टिक. जिस तरह का यहाँ पे जो वहाँ पे जो एटमोसफेयर है, जो ट्रेन के अंदर जो जितनी सी जगह है, उस जगह पे जिस तरह से यहाँ पे स्पेस पे क्या कर सकते, एक्शन कोरियोग्राफी यहाँ पे हमें मतलब उन्होंने कमेंडेबल जॉब उन्होंने किया है. इम्पोर्टेंट जगह थी वो, और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया है. एक अजीब सी बात यह है कि इतनी बढ़िया एक्शन सीक्वेंस हमें दिखाने के बाद भी किल के मेकर्स ने अभी तक ये नहीं बताया कि इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर कौन है, व्हिच इज वेरी मच सरप्राइजिंग. और भी बहुत सारे कास्ट एंड क्रू है जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल जो यूट्यूब वीडियो है, जो चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, और इंटरनेट पे भी नहीं है. राइट, क्योंकि आई डोंट नो इफ दे, व्हाई डोंट दे गिव इंपॉर्टेंस टू द क्रू. Yes. और ये हमेशा ऐसा क्यों होता है, हमारे प्रोडक्शन हाउस के साथ के ऐसा स्पेशली क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये उन्हें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जितने भी व्यूअर्स है, जो एक्चुअल ऑडियंस है, जिनको बेसिकली सारे निटिग्रिटी जानने की इच्छा होती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्रू मेंबर के दूसरे कामों को वो नोटिस करेंगे. Yes. अगर करण जौहर इस फिल्म को डायरेक्ट करते, अगर वो कर रहे होते, हालांकि धर्मा प्रोडक्शन और सिक्या एंटरटेनमेंट इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, एंड लायन गेट्स इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस फिल्म इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम. ओके, तो मैंने प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. राइट, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो यहाँ पे गाइस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कमती है उसकी. राइट, पर यही पे मैं, हम लोग यही कहना चाहता था मैं, कि करण जौहर अगर इस फिल्म को डायरेक्ट करते और अगर ये फिल्म बहुत अच्छी जिस तरीके से बनी है, तो हम उनको क्रेडिट देते और हम उनके दूसरे कामों के लिए वेट करते. तो उसी तरीके से जो भी होगा इस आज ना कल तो पता चल जाएगा जब ये फिल्म रिलीज होगी. अनफॉर्चुनेटली वो कल मुझे हमें पता चलेगा जब फिल्म को देखेंगे. तो ये फिल्म बाय द वे 4 जुलाई को रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके एडिटिंग के बारे में आई वुड लाइक टू गिव, यू नो, एडिटिंग और सिनेमाटोग्राफी के लिए आई वुड लाइक टू गिव 100 out of 100. और यहाँ पे गाइस एक चीज जो हमें स्पेशली बात करनी चाहिए वो है सिनेमाटोग्राफी, इसकी इतनी बढ़िया है, क्योंकि जो यहाँ पे जो इतनी छोटी सी जगह पे ट्रेन में जिस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस हो रहे हैं, जिस तरह का एटमोसफियर है, ऊपर से वहां पे जो क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, और इतने सारे गूंस या फिर गुंडे एक साथ एक बंदे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, किस तरह से एज अ पैसेंजर आप, यू नो, आप इतने इंडियन ट्रेन से, हम लोगों का तो ये, हम लोगों का तो काम मुसाफिरी है, यू नो, कि ट्रेन में सफर करना इट्स अ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस. तो बहुत ऐसे वक्त आते होंगे कि रात को किसी स्टेशन, किसी सुनसान स्टेशन से क्रॉस कर रहे हो, या फिर कि ट्रेन कभी रुक गई हो, तो हमेशा थोड़ा बहुत तो ये डर रहता ही है कि यार कहाँ आ गए. Yes. कहाँ रुक गए. Yes. तो ये होता है, वो फील, वो जो वाइब थी वो अच्छी तरह से यहाँ पे रफी महमूद साहब ने अच्छी तरह से यहाँ पे उन्हें निखर के लाया. Right. और एडिटिंग में बेसिकली इस चीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एडिटिंग का काम भी बखूबी से ध्यान दिया गया, स्पेशली शिव कुमार पणिक्कर साहब. ट्रेलर को जिस तरह से एडिट किया गया है गाइस, वाकई में काफी कमाल का किया गया है, और क्योंकि बहुत शार्प कट्स है, या ट्रेलर का भी बहुत शार्प कट्स है, लेकिन हमें फिल्म की एडिटिंग को देखना पड़ेगा अल्टीमेटली हमें क्या दिखता है. ऑब्वियसली हमारा जो भी रिव्यू या जजमेंट रहता है ट्रेलर को देखने के बाद ही हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से फास्ट पेस जो यहाँ पे एडिटिंग है, जो जरूरत है, वो वहाँ पे किया गया है, और मुझे काफी अच्छा लगा. और यहाँ पे एक और चीज जो हमें बात करनी चाहिए वो है परफॉर्मेंस के बारे में. यहाँ पे लक्ष्य जिस तरह का यहाँ पे जो उन्होंने जो काम किया है, जिस तरह से उनको देख के लगता है कि वो एक स्पेशल फोर्सेस के जो ऑफिसर है हिमसेल्फ. और बेसिकली लक्ष्य के बारे में बात करें तो ही कम्स फ्रॉम यू नो स्मॉल स्क्रीन बाय द वे, टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत काम कर चुके हैं, इंडस्ट्री में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया, एंड ये उनके लिए बहुत बड़ा एक ब्रेक है मुझे लगता है. ऑब्वियसली यू नो हैज बीन टू द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. यस, पिछले साल काफी ज्यादा इस फिल्म को लेकर हंगामा हुआ है, एंड ऑल्सो धर्मा प्रोडक्शंस में काम कर रहे हैं, तो मतलब काम कर रहे हैं. ऊपर से राघव जुयाल का भी जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, ही हैज बीन अ डांसर, उनको ऐसे किरदार में देखना, आई वॉज ईगरली वेटिंग राघव जुयाल का. जब भी मैंने नाम इस फिल्म में देखा उनका जुड़ा हुआ है, तो आई वॉज वेरी मच इंट्रीग्ड के क्या हो सकता है. यस गाइस, मुझे वो 2012 के का वो DIT का वो ऑडिशन याद आ जाता है, कि तब राघव जुयाल जब आए थे, उन्होंने जब ऑडिशन दिया था,
राइट एंड वो एक पतला सा एक टीनेज लड़का दिल क्यों ये मेरा शोर करे उस गाने पे उन्होंने ऑडिशन दिया था और आज जाके नहीं वो कोई एक इंडिपेंडेंट गाना था फिर दिल क्यों ये मेरा शोर करे इट वाज बेसिकली डेडिकेटेड टू बिपाशा बासु एंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था उनका और कहां से कहां वो पहुंच गए आज वो एक एक्शन फिल्म में वो एंटेगनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनको और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स मिले मस्ट एक्सप्लोर हिम या क्योंकि अगर एक बंदे में अगर एक्टिंग की पोटेंशियल है तो मुझे लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर को उसमें और भी कई सारे रोल्स उनको देने चाहिए राइट और कुछ हमारे और कुछ एक्सपीरियंस कुछ ऐसे कैरेक्टर एक्टर्स हैं बहुत फेमस कुछ रिस्पेक्टेड एक्टर्स हैं जैसे हर्ष छाया जी को बहुत सालों बाद मैं किसी फिल्म में देख रहा हूं आशीष विद्यार्थी सर इज ऑलवेज देयर और उनको यू नो उनको सफेद बल में देखने का बड़ा मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार ये जो हमारे जमाने के हमारे टाइम के 90s के फेवरेट जो विलन थे he is growing old. एक बात है यहाँ पे गाइस मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस मुझे ऐसे देखने को मिली जो यहाँ पे आर रेटेड की तरफ इस फिल्म को ले जा रही है और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस इंडियन सेंसर बोर्ड में किस तरह से काम करता है मुझे नहीं पता कि कितने एक्शन सीन्स आपको हार्डकोर सीन्स आपको थिएटर में देखने को मिलेंगे ऐसा हो भी सकता है कि आजकल होप कि इस फिल्म का वैसा कुछ ना हो जैसे यू नो अच्छी फिल्म एक बन के आई है और इसमें अडल्ट जैसा मुझे कुछ ज्यादा दिखा नहीं आ रहा है मेबी फॉर द एक्शन इससे बुरे एक्शन भी हम लोगों ने देखे जो बहुत इजीली यू नो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने पास किया है और रिसेंटली गाइस एक ये एक थियरी है जो हम सब इंटरनेट में सुनते रहते हैं कि आजकल पिछले जमाने में क्या होता था जब फिल्म बनती थी जब मेन जो कैरेक्टर है जो लीड एक्टर है या जो मेन वो उसमें जो एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करता था जब हजार बुराइयां करने के बाद भी हीरो क्या करता था विलन को माफ कर देता था फिर मिड जो 80s और 90s में आया हीरो विलन को मार देता है हमें ये देखने को मिला अब जो जमाना चल रहा है आप सिर्फ विलन को मारने से काम नहीं बनता नाउ हो क्या गया कि हाउ ब्रूटली यू किल द विलन एंड देयर इज अ वियर्ड सेटिस्फेक्शन और जो बहुत ही अलार्मिंग स्टेज है ऑडियंस के बीच में और ये हमें पता है कि यू नो आर रेटेड फिल्म्स बन रही हैं और समहाउ उसको कंज्यूम करने के लिए हाइपर पैशनेट फिल्में बन रही हैं और ये कुछ जगहों पे जाके ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है और मैंने रेडिट पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट में मैंने गाइस ऑडियंसेस को बात करते सुना है कि यहाँ पे एक्शन सीन्स वैसे नहीं थे कि हार्डकोर नहीं थे मतलब गौर नहीं थे तो आप समझ सकते हो कि आजकल के यूथ को किस तरह की डिमांडिंग चीजें चाहिए और आजकल मैं फॉलो भी कर रहा हूँ कि कुछ फिल्मों में वैसा ही एक्शन सीक्वेंस बहुत सारी फिल्में एग्जांपल ये हमारा एक व्यू था गाइस हमारा पॉइंट था ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि पूरी बच्चों के फिल्म बना दो नहीं लेकिन स्टिल दिस वेरी ऑडियंस पहले ये डिमांड करती है कि ऐसे दिखाओ जब दिया जाता है डायरेक्टर जब मेहनत करके देते हैं तब इन्हीं ऑडियंस को पूरे साल भर उस चीज को लेके एक रोना यस चालू रखते हैं मिक्स रिएक्शन को ब्लेम करते हैं तो मैं ये शायद 50वीं बार हम लोग कह रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए नेवर ट्रस्ट इंडियन ऑडियंस यस समटाइम्स दे कैन गो क्रेजी बहुत ही एक मतलब एक कंफ्यूज्ड कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस रहते हैं जो कभी कभी क्या होता है कि कुछ फिल्में ऐसे ट्रेंड पे रहती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो फिल्म आपको 200 करोड़ कमा के देगी और कुछ कुछ फिल्म हम 600 करोड़ के जब हम ऑडियंस के बारे में कहते हैं वी आर नॉट इंसल्टिंग बट वी आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल ऑडियंस इन द वर्ल्ड यस ये इंडियन ऑडियंस को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यस गाइस सो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ किल आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में हमारे रिएक्शन के बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और YouTube नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे चैनल से जितने भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहां पे जाके हमें डायरेक्टली वहां से फॉलो कर सकते हो और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।